नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्येंदु मंडल सेफ स्टॉक ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट से मेरा यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत करता हूँ। तो मैंने जो न्यू नया डेवलपमेंट किया, नया एलिमेंट रखा है, तो उसको आप लोगों को समझा रहा था अगला वीडियो पे, तो उसी को मैं ये कंटिन्यू करता हूँ। तो देखिए, मूविंग एवरेज क्रॉस हो आप लोगों को MACD RSI दिखाया, इधर MACD RSI दिखाया और इधर पॉजिटिव चेंज इन प्राइस एंड पॉजिटिव चेंज इन वॉल्यूम एंड पॉजिटिव चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ये दिखाया। इसको आप लोगों को स्क्रीनिंग करने के लिए सुविधा होगा। और जो चीज़ बताना चाहता था कि ये जब आप लोगों को इधर मूविंग एवरेज दिख रहा है, तो इसको एक्चुअली ये जो LTP का पोजीशन है, इंटरडे स्विंग ट्रेडिंग का और पोजीशन वाला शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म का जो LTP का पोजीशन है, वो एक्चुअली मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर दिखेगा। जब ये आप लोगों को ट्रू वैल्यू आएगा बाय साइड और सेल साइड में, तो आप लोग पकड़ लीजिए कि ये 550 सोच लीजिए, ये 5 LTP का पोजीशन, ये जो स्विंग बाय साइड लेवल स्विंग ट्रेड अबव बिलो 5 MA 5, और ये भी इसमें भी ट्रू आ रहा है और इसमें भी ट्रू आ रहा है। पोजिशन और ट्रेड बाय साइड लेवल अबव MA 50 अबव बिलो MA 50, इसमें भी ट्रू कॉमन आ रहा है। तो इसको आप लोग को स्क्रीन कर लेना पड़ेगा, जो स्क्रीनिंग का तरीका मैंने दिखाया है। तो ये स्क्रीनिंग अभी जस्ट आप लोगों को डाटा फिल्टर करके जस्ट ट्रू वैल्यू को रखना है, बाकी फॉल्स को हटा देना है। और जब 15-13 तो वो भी ऐसा होगा, और जब 15 और 30 जब आप लोग कॉमन ट्रू जो वैल्यू कॉमन आएगा, तो उसमें क्रॉस ओवर हो जाएगा ऑटोमेटिकली। आप लोग चार्ट में भी दे सकते हैं, और ये MACD RSI आप लोग चाहे तो चार्ट में दे सकता है। और पॉजिटिव चेंज इन वॉल्यूम, पॉजिटिव चेंज इन प्राइस, ओपन इंटरेस्ट होता है। और तो और 200 पीरियड भी इसमें आप लोगों को मिल सकता है। जो लोग को मैं तो बाई सेल लेवल इधर हाई प्लस स्किनर, एक बाई सेल लेवल कम स्किनर है, स्कैनर है। तो जो लोग को बाई सेल लेवल का जरूरत नहीं है, तो इधर से ये आप लोग स्क्रीन भी कर सकते हैं। तो आप लोगों को मन में आ सकता है कि ये स्क्रीनिंग तो हम लोग को फ्री में बहुत सारा मार्केट में बहुत सारा हाई वेबसाइट मिल जाएगा, लेकिन ये जो मैंने प्रोबेबिलिटी रखा है ट्रेंड, ये असली चीज़ है। इसको आपको लोगों को मैं गारंटी देख सकता हूँ, ये आप लोगों को कहीं नहीं मिलेगा। ये प्रोबेबिलिटी 1.4, ये ट्रेंड ऐसे ही दिखेगा। मैंने एक बार स्क्रीन करके दिखाता हूँ, जब ये फिल्टर लगाएंगे और ट्रेंड को आप लोग करेंगे, तो सब कुछ ऑटोमेटिकली आप लोग को MACD क्रॉसओवर, मूविंग एवरेज क्रॉसओवर, ऐसे सब कुछ ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ये दोनों को आप लोग जब करेंगे, मैं दूसरा प्रोबेबिलिटी 4.34 ऐसे छोड़ देता हूँ, ये आप दिखेंगे तो आप लोग को ऑटोमेटिकली MACD RSI सब कुछ पॉजिटिव दिखने लगेगा। देखिए, थोड़ा सा स्क्रीन कर लेना पड़ेगा, और LTP का पोजीशन भी, मतलब मूविंग एवरेज क्रॉसओवर भी आप लोगों को ट्रू इधर फिर से आप लोग स्क्रीन कर ले सकता है। तो ये ट्रेंड आप लोगों को कभी कहीं नहीं मिलेगा, ये ट्रेंड का जो स्ट्रांग है इतना ही स्ट्रांग आएगा। इधर देखिए, और भी प्रोबेबिलिटी 4.34 करेंगे तो पूरा MACD RSI मूविंग एवरेज पॉजिटिव चेंज इन वॉल्यूम सब कुछ आ जाएगा। और इधर जो मैंने और भी इंट्रोडक्शन किया, पहले भी बोल चुका था मैंने पहले वीडियो में, प्रोबेबल हाई लो को कितना हो सकता है, हाँ प्रोबेबल हाई लो कितना हो सकता है 1 डे 3 डे 5 डे 15 डे 30 डे का अंदर। इधर आप लोग को निफ्टी बैंक निफ्टी का फ्यूचर में भी ऐसा ही MACD RSI क्रॉसओवर ऐसा मिल जाएगा, निफ्टी बैंक निफ्टी लेवल्स में इंडेक्स में भी ऐसा मिल जाएगा। उसके ऊपर मेरा रिकमेंडेशन और तो है ही, रिकमेंडेशन और माई फेवरेट्स है ही। और सबसे बड़ा बात है, और भी बड़ा चीज़ है, इधर कौन सा स्टॉक निफ्टी का हिसाब से कैसे बिहेव कर सकता है, निफ्टी ऊपर जाएगा तो कैसे बिहेव कर सकता है 1 डे 3 डे 5 डे 15 डे 30 डे के हिसाब से, और निफ्टी डाउन में जाएगा तो 1 डे 5 डे 16 डे 30 डे कैसे, कमोडिटी में भी ऐसे किया है। तो ये आप लोगों को कभी नहीं कहीं पर मिल नहीं सकता।